This afternoon, Tourism Minister Gautam Deb held a meeting with the family of the deceased who were in the vehicle that went into the Teesta and is still missing. The minister said that the Navy have deployed a team for search and rescue operations. Since this morning, the NDRF team and Navy team are on a search for the missing. Minister also visited the spot today. The family members were happy with the minister's reassurance and hope that the missing would be located soon. नेवी को बुला, आर्मी को बुला, आर्मी शायद आ गया, अभी हम स्पॉट में जाएंगे। हम बहुत शर्मिंदा हूँ, 6 दिन गुजर गया, इन लोग का बहुत सफरिंग हुआ। राजस्थान से आए लोग, हमारा गेस्ट अतिथि, और बंगाल हॉस्पिटलिटीज में बहुत आगे है, और हमारा चीफ मिनिस्टर बहुत ह्यूमेनिटेरियन फेस लेके काम करते हैं। हम लोग माफ़ी मांगा उन लोगों का पास जो डिले हुआ, थोड़ा इंफॉर्मेशन गैप था, लेकिन हम लोग फुल प्रूफ अरेंजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऐसा जैसा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा स्टेट का है, सारे मिलके एक साथ काम करने पड़ेगा, क्योंकि एक क्रॉस बॉर्डर है, उधर में सिक्किम है, नेशनल बॉर्डर है, बंगाल है, और एक पहाड़ी क्षेत्र है, तीस्ता नदी बहुत खतरनाक रिवर है, वर्षा का टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम है। हम सारे रिपोर्ट बना रहा है, वो रिपोर्ट हम भेजेंगे हमारा ऑनरेबल सीएम के पास। हम 12 तारीख जा रहा है, 13 तारीख हम न्यू सेक्रेटरिएट में हमारा फुल फ्लेज्ड हाई पावर मीटिंग हम लोग करेंगे, और सारे रिपोर्ट हम ऑनरेबल सीएम को हम लोग भेजेंगे, जैसा फुल प्रूफ अरेंजमेंट इन द डेज टू कम हो सके। লোকেট করার পর সেটাকে ডিপ করে তারপর তাদের মেকানিজমে সেই গাড়িটাকে উপরে। 7 दिन से तो ये लग रहा था कि अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, एनडीआरएफ वाले उनका जो काम कर रहे थे उससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। कल जाके मिनिस्टर साहब ने बोला है कि आर्मी का जो व्यवस्था करेंगे, तो आज हम आए इनके पास, इन्होंने बुलाया है हमको मीटिंग के लिए, तो आज आश्वासन दिया है इस चीज़ का कि वो करेंगे। इन्होंने ऑलरेडी मेल भी कर दिया है अपर लेवल पर, तो आज हमने सुना है वहाँ पर कि मिलिट्री आ गई है, नेवी भी आज आफ्टरनून पर आ जाएगी, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हाँ, अभी यही कर सकते हैं, बात की जो 6 दिन की पुरानी बात है उसको कुछ इनको बोल के, उन्होंने ऑलरेडी अपोलोजाइज किया है, उनकी जो थिंग्स है उस माफ़ी मांगी है, तो ठीक है, उन्होंने इतना बड़ा किया है, तो आगे भी यही चाहेंगे कि जो भी जिस भी कंडीशन में हमारी बॉडी है वो बस कैसे भी करके घर पे पहुंचा दी जाए। उन्होंने ये भी बोला है कि वो सारा अरेंजमेंट करेंगे, तो होपफुली दे विल डू।